हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आपका लक्ष्मण टेक चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागतम करता हूँ। तो दोस्त, आज की वीडियो की तरफ हम बढ़ेंगे। तो दोस्त, आज का हमारा वीडियो कि अपने मोबाइल फ़ोन में यानी न्यू जीमेल आईडी कैसे बनाएं, यानी न्यू जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि न्यू जीमेल आईडी कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपको मैं बगैर मोबाइल नंबर के बताऊंगा, बगैर मोबाइल नंबर के आप जीमेल आईडी बना सकते हैं सिर्फ 3 से 2 मिनट के अंदर में। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आजकल इंडिया में आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इससे क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो आपको घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। ज़्यादा किसी से मिलजुल नहीं करना है, सिर्फ आपको काम सिरे कहीं बाहर निकलना है। काम हो तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो आप घर में रहिए और अपना घर में ही कुछ काम कीजिए। ये नहीं कि आप बाहर जाइए, किसी से मिलिए, दोस्त यार से। आपको आप लोग देख रहे हैं, खुद न्यूज़ पे देख रहे हैं कितना कोरोना वायरस हमारे देश में बढ़ रहा है। तो अगर आप लोग इससे बचना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा बात मानिए और आप लोग से मैं बार बार हाथ जोड़ से निवेदन करूँगा कि आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए और अच्छे से रहिए। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को शुरू करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फाइनली गाइज, हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने जीमेल में। चलिए मैं अपने जीमेल में जाता हूँ। तो यहाँ पे अपना जीमेल आईडी खोल लिया हूँ। तो आपके अपने जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा पहले से आईडी बन चुका है, तो हमें दूसरा आईडी बनाना है यानी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं एड अदर अकाउंट, यानी एड अदर अकाउंट लिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहला नंबर जो आ रहा है गूगल, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेट नहीं चालू होता है। आपको क्या करना है कि आपको अपने नेट को ऑन कर लेना है। तो चलिए मेरा नेट ऑन हो गया। तो फिर से हम इस पर जाते हैं और फिर से इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से अपने गूगल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, अपना जो भी पासवर्ड होगा यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए मेरा फिंगरप्रिंट था, मैंने इस पे डाल लिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को पुराना आईडी इस पर खोलना है, मान लीजिए आपका नया मोबाइल फ़ोन है या चाहे आप रिसेल्ट मारे हैं, तो आपको पुराना आईडी इस पर खोलना है अगर आप लोग को याद है। अगर आप लोग को नहीं याद है, अगर आप लोग नया बनाना चाहते है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला नंबर वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट नाम डाल देना है अपना। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट नाम डालूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपना फर्स्ट नाम डाल लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मंथली है मंथली यहाँ पे डाल लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मंथली जो भी आपका है, तो यहाँ पर मैं फरवरी कर देता हूँ। फरवरी के बाद यहाँ पर 2 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ईयर्स लगा देना है, आपको कौन सा ईयर्स है। तो मान लीजिए 1999 यहाँ पे हम लगा देते हैं। उसके बाद आप मेल है कि फीमेल है यहाँ पे आपको चुन लेना है। तो मान लीजिए मैं मेल हूँ, तो यहाँ पे मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेल लिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिर से नाम डालना है और यहाँ पर आपको टाइटल डालना है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपको स्पेस नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एकदम सटा के लिखना है, यानी स्पेस इसमें देना ही नहीं है। तो चलिए मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबर यहाँ पे कुछ डाल लेना है, यानी इतना आप नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि नंबर डाल लेना है। यहाँ पे नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ अगर आप लोग मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से यूज मोबाइल नंबर यानी अपना मोबाइल नंबर भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको विदाउट मोबाइल नंबर जोड़ के बताऊँगा, यानी इसमें मोबाइल नंबर मैं नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको बगैर मोबाइल नंबर के बता रहा हूँ कि बगैर मोबाइल नंबर के आप जीमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना एक पासवर्ड चुन लेना है, यानी ये पासवर्ड आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए। चलिए मैं अपना एक पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया हूँ। मैं पासवर्ड आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, तो चलिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक आ रहा है साइड में यहाँ पे स्किप, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं साइड में यस आई एम इन, तो इसी पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका आईडी सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा आईडी सही आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आई एग्री कर देना है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा अकाउंट बस बन के तैयार हो गया है। चलिए मैं आपको अकाउंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे जो आ रहा है अंकुश कुमार के नाम से, यहाँ पे अकाउंट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे, क्योंकि ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सो थैंक यू, सो वेलकम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।